रायबरेली न्यूज थाना ऊंचाहार पुलिस की मनमानी घटना। 20 मार्च 2019 को डीजे बजाने का मना करने पर दबंगों ने एक लड़की एक महिला को लाठी डंडे से प्रहार कर दिया, जिसमें दोनों महिला का सर फट गया और गंभीर रूप से घायल हो गई। परिवार के साथ थाना ऊंचाहार पहुंची और प्रार्थना पत्र दिया। उल्टा ही दरोगा ने गाली देकर थाना से भगाया। आज दिनांक 23 मार्च 2019 को पुलिस अधीक्षक के यहां आई थी, न मिलने पर मायूस होकर घर लौटी वाइट पीड़ित। मैं तुम्हारा कहां से आई हुई हूं? क्या दिक्कत आई हुई, कहां पे आई हुई हूं? एसपी ऑफिस आए हुए। क्या हुआ है, दिक्कत क्या है? बोली कि एक दिन पहले हमने एप्लीकेशन डाला था कि हमारे दरवाजे नए साल के दिन बहुत गाली गलौज हुई थी और गंदे गंदे गाने और डांस हुए थे, इसलिए हम लोगों ने रोकने की कोशिश की। हम लोग इसलिए पहले से एक एप्लीकेशन डाल दिया है। किन लोगों ने ये मारपीट की है? सीता राजू गोलू। घर पे घुस के क्या चीज, क्या हुआ था पूरा मामला? और ईटा डंडे से मार। कौन कौन था घर पे उस समय? गोलू, राजू, सीता, विपिन, नितिन। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग और ऊपर जाओगी तो तुम लोग को वो गंदे केस में डाल देंगे अंदर। मैं आपका? हमारा नाम साधना है। कहाँ से आई हुई है? ऊंचाहार कस्बा। कौन सा थाना लगता है? थाना ऊंचाहार कोतवाली, गायत्री मोहल्ला। क्या दिक्कत हुई है, कहाँ पे आई हुई है? हम यहाँ एसपी के ऑफिस आए हैं। क्या हुआ है दिक्कत? दिक्कत ये हुआ है कि डीजे के लेके विरोध हुआ था। हमने इसी विरोध के मारे हमने एक एप्लीकेशन लिख के थाने में दिया कि हम लोग से कोई लड़ाई झगड़ा मत करें, ये पी खा के दारू पीते हैं, बेहुदा करण से लड़कों को बुला के बेहुदा डांस करवाते हैं, इसीलिए हमने थाना एक एप्लीकेशन लिख के दिया, जिसमें हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा दरोगा आके मेरे पापा को बोल रहे हैं कि तुम इसका विरोध करोगे तो तुम्हें उठा के मैं थाने में डाल दूंगा, और तुम लोग अगर विरोध के हमारी बहनों को बोल रहे हैं कि अगर विरोध करोगे तुम लोग का अंडबंड गाली भी देखे गए हैं, ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं की है। कौन दरोगा था? आनंद दरोगा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर तुम लोग ज्यादा इधर उधर दौड़ धूप मचाओगी तो तुम लोग को बेसिया के उसमें भेज देंगे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।